जब वो योगी मच्छंदर नाथ चंद्रा नामक नगरी के अंदर अलख जगाने के लिए जाते हैं और जब अलख जगाते हैं तो जिस घर के अंदर अलख जगाते हैं वो घर ब्राह्मणी का था जिसका नाम सरस्वती था और वो योगी मच्छंदर नाथ अलख करते करते हुए आते हैं और सरस्वती योगी मच्छंदर नाथ के पांव पकड़ लेती है और एक बात के द्वारा क्या कहती है आइए क्या बता दिया सुबह सुबह का टाइम है क्या बता दिया हो मेरे कुल की बेल चला दे बाबा दे दे इकला सरस्वती कहने लगी कि योगी आपकी छत्र छाया अगर मुझ पर हो जाए तो मैं आपका शान नहीं भूलूंगी एक बात के द्वारा क्या कहती है ये क्या बता दिया हो मेरे कुल की बेल चला दे ओ बाबा दे ओ मेरे कुल की बेल चला दे ओ बाबा दे दे इकला ओ मेरे कुल की बेल चला दे ओ बाबा दे दे इकला मेरे कुल की बेल चला दे ओ बाबा दे योगी मच्छंदर नाथ जी नले ये बेटी दुखियारी तू तो कहीं से भी नहीं लगती कि तू दुखियारी है इतने अच्छे महलों में बसर कर रही है इतने अच्छे आभूषण पहन रखे हैं कहने लगी कि बाबा मैं ऐसे दुखियारी नहीं हूं क्या कहती है कर्म की मारी दुखियारी कर्म की मारी पांच कव मन दुनिया सारी पांच कह मन दुनिया सारी सुनी को सजा दे बाबा दे दे
रहना सृजनहार की, मेहर भी रहना सृजनहार की, पूत बिना नहीं कदर नार की, पूत बिना नहीं कदर नार की, मेहर भी रहना सृजनहार की, मेहर बिना ना कदर नार की। मेरा रूचा राम मना दे योगी दे दे किसा घरवासा, बिना औलाद किसा घरवासा, कति टूट लिया मेरी आशा, कति टूट ली मेरी आशा, कति टूट लिया मेरी आशा, कति टूट ली मेरी आशा, मेरी टूटी धीर बना दे बाबा दे दे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।